वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एक और क्वेश्चन के साथ है। तो हमारा सवाल ये है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल है 1 बाई साइन थीटा है माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इस तरीके से ये सवाल है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा। और हम जानते क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा फॉर्मूलाज याद रखने बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो ये आपस में कट गया तो इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, अपने दोस्तों संग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।